हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। वीडियो कैसे हो आप लोग? मिले कि बहुत ही बढ़िया होंगे और जहाँ होंगे बेस्ट होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का ब्लॉग करते हैं घर से स्टार्ट। तो आज बहुत ही सुबह अवसर है, जैसे जिसे हम बोल सकते हैं ज्योतिया का त्योहार। तो आज के दिन तो आपको पता है कि सारी महिलाएं ज्योतिया का व्रत करती हैं और अपने पुत्र के लिए ये व्रत और ये पूजा पाठ का कार्यक्रम करती हैं। तो आज के ब्लॉग में देखते हैं हमारे ब्लॉग में कितने सारे लोग आ जाते हैं। तो चलो वीडियो में सबसे पहले आप लोग अगर फर्स्ट टाइम आए हो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और एक छोटा सा कमेंट करना आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है। चलो अभी मिलते हैं सबसे फटाफट, क्योंकि आज मुझे ब्लॉग बनाने में बहुत ही लेट हो गया और जो रेसिपी बन रहा था उसको मैंने दिखा नहीं पाया। क्या बोले उसको, हम उसको नहीं दिखा पाए, लेकिन फिलहाल वहीं पे हम चलते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग हैं जिनसे भी इधर हमारे ज्योति का भी मेकअप वगैरह हो रहा है इधर, और इधर देखो पापा बैठे हैं, इधर एक और भाई है। हाय विकास भैया, ये देखो अंकित भाई, इनका नाम है राम आज्ञा ना, रियल नेम? हाँ जी, राम आज्ञा। देखो तो अभी हमारे यहाँ ये लोग आए हैं, वहीं पे पूजा का कार्यक्रम हो रहा है। चलो आपको भी दिखा रहे हैं अभी हम, तो अभी कैसा लग रहा है? चलिए चले चलिए चले। तो अभी भैया पहन रहे हैं कपड़ा और ज्योति का भी तैयारी अभी नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल मैं तो रेडी हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ वहीं पे। अब वहीं का रियल लुक दिखाते हैं आपको, चला तो हमारा वहाँ का सजावट वगैरह कैसा है, चलो दिखाते हैं आपको देसी तरीके का लुक है भाई। ज्यादा कुछ खास से नहीं ना, देसी तरीके का ही बोल सकते हैं। हाँ, देसी है। तो यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं जो तो पूजा कर रही हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ इधर सब तो साथ। यहाँ पे देखिए अंकित भैया और सॉरी विकास भैया यहाँ पे देख रहे हैं, और मेरा भाई भी आ गया इधर तैयार होकर। देखो सब लोग पूजा देखने आ गए, यहाँ पे इतनी सारी औरतें पूजा कर रही हैं, इसमें से मतलब ये सब ज्यादातर हमारी पड़ोसी ही हैं। देखो इधर एक भाभी है, हाय भाभी, हाय बोल दीजिए एक बार। देखो भाई अब ये लोग शर्माना स्टार्ट कर दिए हैं अभी से। ये रही बुआ जी, देखो यहाँ पे पूजा पाठ, हाय बोल दीजिए। व्रत हो, व्रत है, किसके लिए किया जाता है ये व्रत? नहीं हमको तो लगता है बेटियों के लिए किया जाता है भाई ये। अच्छा इसका क्या मकसद है? आज तक आप लोग इतने दिन से पूजा कर रहे हो, मतलब ये किसके लिए किया जाता है खास तौर पे, इसका मकसद बताएंगे? टीका होगा पूजन बदे आदमी खाला ये अपन लड़का हमारे तो गाइस देख लो, आज तक मम्मी को नहीं समझ में आता, मम्मी व्रत करती है बोलते हैं इनको जुट बंधन बाबा बोलते हैं या फिर जुतिया, क्या कहा जाता है इनको? जुतिया माई, जुतिया माई। इसमें से कितने सारे लोग जुतिया माई बोलते हैं, कितने सारे जुट बंधन बाबा बोल सकते हैं आप लोग एक बार? ये रही पड़ोसन वाली चाची उधर उस साइड के, और ये रही हमारी बगल वाली चाची जो कि कल हमारे ब्लॉग में आई थी, थोड़ा सा शर्मा आ रही थी, लेकिन आज थोड़ा पूजा पाठ करेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे अब। इसके बाद गाइस यहाँ का पूजा तो मतलब धीरे धीरे ये सब पूजा हो जाएगा, तो इसके बाद कहानी किस्से जो भी होगा सब आपको इस ब्लॉग में मिलेगा देखने के लिए। और ये रहा ये सब पूजा पाठ कहाँ पे होता है, जहाँ पे पानी होने रहता है ना, बैठ जाइए, आप लोग के लिए कुछ लेकर आए। अगर कुछ डाउट उठे तो भाई पूछ लीजिए। ये देखिए ये भैया भी शायद लग रहा है ब्लॉगिंग करेंगे, करेंगे ना लग रहा है, करते हैं लग रहा है, रिहर्सल तो करिए करते ही होंगे नॉर्मल तरीके से। यहाँ पे सब पूरा पाठ हो रहा है भाई, इसके बाद भजन वजन होगा, इसके बाद कहानी किससे। यहाँ पे जितने सारे लोग हैं सबका सबका अपना अपना कैमरा ऑन है भाई, सबका अपना अपना मन है। देखो यहाँ पे कैमरा से देखो शूट हो रहे हैं दो दो लोग। देखो ये हमारे अंकित भाई है, ये विकास भाई, ये हमारा भाई, आप भी शूट करो। और ये रहा हमारा कैमरामैन,
फाइनली यहाँ का लुक मुझे सामने से नहीं मिल रहा था इसलिए मैं इस साइड आ गई। और देखो सूरज मतलब उस टाइम ढल रहा है इधर, ये देखो उस साइड के बगल वाली आ गई, दादी भी आ गई, हाय कर दीजिए आजी। देखो कुत्ते भी आ गए इधर भाई। ये लो भाई ज्योति भी आ गई रेडी होकर, बहुत टाइम लगाई है आज ये। घर पे कुछ जा रहे हम लेने के लिए, अभी ज्योति कुछ टाइम के लिए दिखी थी फिर बोल हो गई पता नहीं किधर भाई। ज्योति हाँ क्या कर रहे हो? ये लो भैया हम क्या खाली ही नहीं है क्या बताएं, देख रहे हैं आप लोग क्या कर रहे हैं, घूम करने के लिए दशा अंगूर को घी को और एक ही में मिक्स कर रहे हैं, मिक्सचर इसको बोलते हैं। तो गाइस ये आकर घर पे दशा बना रही है भैया, आज हमारे घर बहुत सारे लोग आए हैं, बड़ा खुशी मिलता है जब सारी औरतें एक जगह इकट्ठा होकर पूजा करती है ना, सचिन कितना अच्छा लगता है देखने ना जी, सही में ना। चलो आज के वीडियो में आपको कुछ कहानियां भी सुनने को मिलेंगी पुराने पुराने रीति रिवाज के हिसाब से ना जी। हाँ अब तो पहले से बदल रहा है दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन बदल रहा है। चलो लेकर चलो जल्दी से भैया, ये लगता है कि बहुत जल्दी में हर काम करती है, घूम करने के लिए आग ही ले रहे हैं, आग चूल्हा में का सब खत्म हो गया है, ये लोग जाते हैं तो अपना आग जल्दी लेकर जाते हैं, आगे सब कहानी खींचा तो खत्म भी हो जाएगा, इतना में हो जाएगा ना। देखो इतना ले लिया है रेडी कर लिया सामग्री, हम क्या बताएं ये सब अपना अपना काम हमें को देती है, हमको खुद नहीं पता रहता है काम। देखो इसमें अच्छे से मिलाने के लिए अभी और भी सारे लोग आए हैं, चलो आपको दिखाते हैं यार बड़ा मजा। कलुआ कब से हड़बड़ा रहा है पूजा देखने के लिए, इसको कोई छोड़ ही नहीं रहा। हेलो हेलो गुस्सा हो गया, गुस्सा हो गया हम लोग से। तो गाइस यहाँ पे कहानी स्टार्ट होने जा रहा है, सुनाएंगी चाची। इकरा राजा इकरा रानी, रानी का बहुत तबीयत खराब रहा, राजा को दवाई कराएंगे, रानी से जल्दी तबीयत में ना खराब, और उनका तबीयत काहे खराब रहा उनके कोई लड़की लड़का नहीं होता, राजा दर दवाई कराए कराए रानी तबीयत सुधारा ना, ऐसे मेरा दिन बीत गया फाइनल गाइस यहाँ पे हो रहा है लड़ाई, जानते हैं किस लिए? सबसे पहले तो जितने सारे लोग हैं सब लोग एक 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 करके कहानी कहेंगे, ठीक है? बोल रहे हैं कोई लोग नहीं कहेंगे, जंदो मई जा रहे हैं कहने, आप लोग गौर से सुनना, बहुत अच्छी कहानी है एक राजा और रानी की। क्या कहते हैं औरतों को कौन से वैसे काम नहीं करने चाहिए, इसमें यही है कहानी में, आप लोग गौर से सुनिएगा। पहले इसको यही तो रख देते हैं अच्छी से जगह पे। ये कहानी मोल ले लिया है, बीच में मैंने थोड़ा सा वीडियो कट किया था, तो ये सारी कहानी है मतलब यहाँ पे जितनी सारी औरतें हैं ये सबके लिए है, बहुत ही ज्ञान की चीजें हैं, हो सकता है आपको भी काम आए तो आप लोग गौर सुनिएगा। औरतों को पांच अपने घर का चीजें कभी नहीं देना चाहिए जिससे कि लक्ष्मी माता रुष्ट हो जाए, तो आप लोग सुनिए। पहला झाड़ू हो गया, दूसरा तवा चकवा बेलना ये हो गया, तीसरा सफेद कपड़ा या सफेद दूध शाम के टाइम, तवा मत चौका बेलना तो ब्याह होता तो घर घर जात बा, मतलब अपने घर का पर्सनल मत दा क्यों के, मतलब तीसरा ये हो गया कि सफेद कपड़ा या सफेद दूध उधार किसी को ना दे, मतलब सूरज ढले तब, और चौथी बात ये कि आप अपना गहना और जेवर किसी को ना दे अपने तन का, ठीक है? और रह गई पांचवी बात, झाड़ू वाड़ू बता दिया मैंने, इतना सब कुछ मतलब किसी को नहीं देना चाहिए। ये जो झाड़ू है इसमें लक्ष्मी जी का निवास होता है, हर धनतेरस के दिन मतलब ये झाड़ू खरीदा जाता है, जिस दिन
क्योंकि झाड़ू सही ना लक्ष्मी माता का पूजा होता है, जहाँ पे सफाई रहती है वहीं पे लक्ष्मी माता पधारती हैं, वहीं पे उनका प्रस्थान होता है, वहीं पे वो विराजमान होती हैं। चाची तो झाड़ू वाला बात हो गया, अब रह गया दूध। तो दूध भी शाम के टाइम किसी को उधार नहीं देना चाहिए, क्योंकि दूध और पूत बहुत ही भाग्य से होते हैं, ठीक है। और रह गई तीसरी बात, अपने तन का जेवर किसी को नहीं देना चाहिए, चाहे वो किसी भी कंडीशन में, चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, क्योंकि वो चढ़ाया हुआ सोना है, चढ़ाया हुआ जेवर है, और उस पर स्वयं आपका अधिकार है। जब तीस से आप व्रत करती है ना, तो 16 श्रृंगार इसी का मान्यता है, मतलब करवा चौथ हो गया, ये 30 का व्रत हो गया, तो ये सब स्त्रियों के लिए बनी है। विवाह होने के बाद किसी को नहीं देना चाहिए, ये सुहाग की निशानी है। और ये तवा चकवा बेलना, ये जो है इसमें भगवान विष्णु भगवान स्वयं अन्नपूर्णा माता इसमें निवास करती है। यहाँ पे हमेशा स्वच्छता रहनी चाहिए, और हर सुबह उठकर सुबह जल्दी खाना बना लेना चाहिए, नहा धोकर जो भी है, इसमें घर में बरकत होता है, ऐसे मतलब ये सब काम करने से। बस ये रही कहानी की थोड़ी बहुत। इतना सब कुछ कहने के बाद लक्ष्मी माता ने उन्हें बोला कि सुकन्या तुम घर पे वापस चली जाओ, और सब कुछ ठीक कर दिया हमने, मतलब जो जो जिसके घर से, मतलब जितना लोग पड़ोसी ले घर नहीं, उनका गहना और जेवर झाड़ू तवा चौकी बेलना सब वापस हो गया। अब राजा भी खुश हो गया इतना बात से, राजा भी निकल गया रानी के खोज में। राजा उधर से आवत रानी सुकन्या कहा थी कि माता मैं कैसे जाऊँ, कहते तुम जाओ पुत्री, सब कुछ ठीक हो गया यहाँ पे। मतलब राजा भी उनके विरह में मतलब ज़्यादा इधर उधर खोज भटक करते रहन, तो यहाँ से आके फिर इसके बाद दोनों मिल गए, इसके बाद कहानी खत्म, सब खुशी खुशी रहने लगे। ये रही थोड़ा सा।